यूपी के बुलंदशहर के शिकारपुर में ब्लॉक प्रमुख का चुनाव भाजपा रालोद और सपा के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गया। आरोप है कि पुलिस ने नामांकन कर चुकी रालोद सपा प्रत्याशी को जबरन घर से उठाया और जीप में डालकर ले गए। इससे ग्रामीण भड़क गए। एकत्र हुए महिला व पुरुषों ने पुलिस टीम को घेर लिया। वीडियो में आप देख रहे होंगे, ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशी को मुक्त कर वापस लाने की मांग की। जीप में बैठे वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री तथा क्षेत्रीय विधायक अनिल शर्मा के पीआरओ को ग्रामीणों ने बुरी तरह पीटा और कपड़े फाड़ दिए। शिकारपुर ब्लॉक प्रमुख की दावेदार रालोद सपा समर्थित प्रत्याशी मोनिका सिंह पत्नी हुकुम सिंह के गांव मुकेरा में दोपहर पुलिस की दो गाड़ियां पहुंची। प्रत्याशी मोनिका सिंह का आरोप है कि थाना प्रभारी उपेंद्र मलिक ने उन्हें सुरक्षा देने की बात कही। बताया गया कि ब्लॉक में कुछ कागजी कार्रवाई करनी है, इसके लिए उनका जाना जरूरी है। मोनिका सिंह ने विरोध किया तो मौके पर मौजूद महिला कांस्टेबल ने उन्हें जबरन गाड़ी में बैठा लिया। ग्रामीणों ने विरोध किया तो गाड़ी ब्लॉक कार्यालय की ओर दौड़ा दी गई। ग्रामीणों ने पुलिस की दूसरी गाड़ी को घेर लिया और उसे नहीं जाने दिया। इस दौरान पुलिसकर्मियों से उनकी धक्का मुक्की हुई। गाड़ी में बैठे राज्य मंत्री अनिल शर्मा के पीआरओ को देखकर भीड़ भड़क गई। उन्होंने पीआरओ को गाड़ी में ही पीटना शुरू कर दिया। विरोध करने पर पुलिस के साथ भी हाथापाई की गई। उसके बाद भीड़ ने पथराव कर दिया। इसमें जीप क्षतिग्रस्त हो गई, शीशे भी टूट गए, चालक राजकुमार भी चोटिल हो गए। इसी तरह पुलिस ने जीप चुराकर खुद को बचाया। इस दौरान ग्रामीणों ने सरकार व भाजपा के खिलाफ नारेबाजी की। सूचना पर पहुंचे SDM वेद प्रियार और CO जितेंद्र सिंह ने ग्रामीणों को समझा बुझाकर शांत किया। बताया कि मोनिका का नामांकन सही है, वह चुनाव लड़ रहे हैं। इसके बाद ग्रामीण शांत हुए। बुलंदशहर से रविंद्र कुमार शर्मा की रिपोर्ट। जो आकाश सुरजामली का वो जाटव ही है, वो लेकर के आया, क्योंकि और तो कोई जानता नहीं था मोनिका को। वहाँ आकर के इसने जो है पहले तो राजी से बोला, जब वो नहीं बैठी तो जबरदस्ती खींचने लगा उसे, मोनिका को जबरदस्ती खींच करके पुलिस को बुला करके जबरदस्ती गाड़ी में बैठाया है। और कनपट्टी पता ना क्या रखा, पिस्टल रखी थी, कट्टा रखा उसने, तब लेके गया यहाँ से। पुलिस की गाड़ी को भी क्षतिग्रस्त किया गया है, कि किस लिए किया गया, क्या ऐसी वजह रही जो पुलिस की गाड़ी को भी क्षतिग्रस्त करना पड़ा? हाँ, गाड़ी इसलिए करना पड़ा कि डंडा बजाने लगी पुलिस, जबरदस्ती ले जा रहे थे खेत करके डंडा बजा, पुलिस उल्टा पुलिस ने कैसी भी मदद नहीं की, नहीं ये बताया भाई क्यों ले जा रहे, क्यों नहीं ले जा रहे। तो अब मोनिका कहाँ पर है? मोनिका अभी भी वहाँ से लाए हैं, उन्होंने जो है ब्लॉक लेकर गए, ब्लॉक पर वहाँ पर पर्चा पर किसी साइन कराए, जबरदस्ती साइन कराए हैं कि आपका पर्चा जो वापस करना है, आपको दबाव दिया गया वहाँ पे। कौन लोग थे वो जो अनिल शर्मा के आदमी थे, जो मंत्री है उसके आदमी थे, उसने पुलिस भेजी है। और अपना आदमी जो महेश है उसके उसी का रहने वाला है, जाटव है, जो हमेशा उसके साथ रहता है और नौकरी करता है, वो चपरासी है एक, उसमें उसको भेजा है घर पे, क्योंकि वो हमारे उससे पहले आता जाता रहा है, तो इसलिए वो उसने आकर के मोनिका को पहचाना है। मोनिका जी ब्लॉक प्रमुख पद की दावेदार जी हाँ, और कल आपका वोटिंग भी होना है जी जी, तो उसी प्रकरण को लेकर आज ये हंगामा जी जी, जो जितना भी गांव में हंगामा हो रहा है उसी प्रकरण को लेकर हंगामा चल रहा है जी जी हाँ, इसी को चल रहा है। ये लोग चाहते हैं कि मोनिका जी चुनाव ना लड़े और ये अपने प्रत्याशी को निर्वत बनाना चाहते हैं, जबरदस्ती तानाशाही करके लिए उनको विचार को लौटा को लौटाना चाहते हैं। इन्होंने फोन करके दबाव बना रहे हैं कई तरह से हम पर, रोज पुलिस भेजते हैं, कभी रात को भेजते हैं, कभी गाड़ियों को कभी कभी घूमने नहीं दे रहे हैं। हमारे जो हुए हैं कैंडिडेट हैं BDC हैं, उनसे बिल्कुल भी मिलने नहीं दे रहे हमको, उनको धमकी दे रहे हैं कि यदि तो आपने अगर मोनिका को वोटिंग किया तो आपके खिलाफ FIR करके नहीं और आपको जेल भिजवा दिया जाएगा। ऐसे BDC हमारे जो BDC हैं उनमें दबाव बनाया जा रहा है, उनको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। ये परसों आप भेज करके ब्लॉक में जब पर्चा नहीं मिला था, तो बड़ी मुश्किल से पर्चा दिया गया, उसी में हम पर्चा लेने गए थे भाई, और हम दोनों पर्चा लेने गए थे उस दिन, कैसे हम ब्लॉक में पहुंचे हैं और इन्होंने जो है मोनिका जी ने हमारे भाई को उठवा दिया वहाँ से। मोनिका जी आज की घटना के बारे में बताएं, क्या घटना हुई आज? ऐसा था, मैं तो घर में काम कर रही थी जी, और एक सम पुलिस वाले आदमी आए, लेडीज पुलिस थी, मुझे धमकी देने लगे, जबरदस्ती बाजू खींची मेरी, चलो चलो, मुझे गाड़ी में बैठा लिया। घर में पैसे भी थे, दुकान में थे 10 लाख रुपये, मैं उन्हें लेने जा रही थी, उनको भी ले गए उन पैसों को,
बदतमीजी करने लगे। तो क्या प्राइवेट आदमी भी थे पुलिस वालों के साथ? देखो मैं महेश सुजावली वाले जबरदस्ती करने लगे। मैं कह रही कहाँ ले जा रहे हो, कोई बता नहीं रहा, कुछ नहीं पता। तो कहाँ ले गए थे आपको? ब्लॉक में क्या साइन वाइन कराए आपसे या क्या? हाँ, जबरदस्ती वापस जबरदस्ती साइन करवा लेंगे। धमकी हमके देने लगे, क्या क्या बोलने लगे। तो क्या आपने साइन कर दिए? हाँ, साइन जब कराए, जबरदस्ती करवाए। अच्छा, फिर आपको कैसे वापस भेजा? वापस छोड़ के फिर साइन करा कर देंगे इसमें। फिर हमें बहुत जबरदस्ती, मतलब हमें घर छोड़ो, हमें कहाँ ले जा रहे हो, क्या कर रहे हो? नो, हम कुछ नहीं कर रहे, हम कुछ नहीं कर रहे, हम आपके ही साथ हैं, हम आपके ही साथ हैं, आपके ही आदमी हैं, ऐसे कह। सर, सलेमपुर थाना क्षेत्र में एक ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशी को पुलिस द्वारा उठाए ले जाने का मामला सामने आया, जिसमें पुलिस की गाड़ी पर तोड़फोड़ भी की गई है। तो सर, क्या मामला है और क्या कार्रवाई की जा रही है? ये थाना सलेमपुर के गांव मुगेरा की रहने वाली है श्रीमती मोनिका सिंह। इनके द्वारा कल ब्लॉक शिकारपुर पर ब्लॉक प्रमुख के पद हेतु पर्चा दाखिल किया गया था। पुलिस द्वारा इन्हें सुरक्षा भी प्रदान कर दी गई थी। ये आज अपनी इच्छा से ब्लॉक पर गई और इन्होंने अपना पर्चा वापस लेने का प्रयास किया, परंतु किसी तकनीकी कारण से वो पर्चा वापस नहीं हो पाया। इसी बीच उनके गांव में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा अफवाह उड़ा के पुलिस की गाड़ी पर पथराव किया गया, जिसमें पुलिस द्वारा अभी पंजीकृत किया जा रहा है और उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर, इसमें कई लोग घायल हुए, कोई घायल भी हुए? इसमें पुलिस की गाड़ी काफ़ी डैमेज हुई है, ड्राइवर की भी चोट लगी है। इसमें हम लोगों के द्वारा अभियोग पंजीकृत कराया जा रहा है। जो भी तत्व इसमें शामिल हैं उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह भी अवगत कराना है कि श्रीमती मोनिका सिंह का पर्चा वापस नहीं हुआ है और कल वहां पर पुलिस द्वारा सफल चुनाव संपन्न कराया जाएगा। कुछ ग्रामीणों का और उन प्रत्याशियों का आरोप है कि जो राज्य मंत्री हैं उनके कुछ लोग आ रहे हैं, दबाव बना रहे हैं, वो पर्चा नहीं। ये आरोप में कोई दम नहीं है, क्योंकि उनको सुरक्षा प्रदान की गई थी और जब पुलिस भी उनके घर पर थी और पुलिस द्वारा भी बताया गया कि अपनी इच्छा से ही वो गई थी।